आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 7 7। हेडिंग है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। मार्केट, सबको जानते हैं बाजार क्या है ना। अध्याय 7 7वां हम दूसरी बार रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चे। अध्याय 7वां हो रहा है बाजार, मार्केट। हेडिंग बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में, है ना। द मार्केट एज ए सोशल इंस्टीट्यूशंस, द मार्केट एज ए सोशल इंस्टीट्यूशंस, यानी बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में, है ना। बाजार क्या है, एक सामाजिक संस्था के रूप में चलता है। क्वेश्चन में आएगा बाजार से क्या समझते हैं, व्हाट इज मार्केट, बाजार से क्या समझते हैं, है ना, बाजार से क्या समझते हैं, व्हाट इज मार्केट, अथवा बाजार का क्या अर्थ है, अथवा बाजार का कोई परिभाषा लिखिए। आंसर क्या होगा, एक होगा, ध्यान दीजिएगा, बाजार की परिभाषा, बाजार का अर्थ, आंसर एक होगा। आप साधारण बोलचाल की भाषा में जानते हैं एक साप्ताहिक बाजार, हर कोई गांव से शहर आया है, गांव में साप्ताहिक हाट लगती है। ठेठ भाषा में आप समझिए, गांव में साप्ताहिक बाजार लगती है, आप भी जानते हैं ये चीज को। लेकिन शहर में ही बाजार, और शहर में रोज बाजार लगती है, डेली बाजार ही लगा रहता है। अब हमको जानना है कि बाजार क्या है, बाजार का अर्थ क्या है। विभिन्न समाजशास्त्री ने बाजार की परिभाषा अलग अलग से दी है ना। अब हम जानेंगे बाजार के बारे में, है ना, बाजार का अर्थ एवं परिभाषा, है ना। देखिए, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ का नाम सुने होंगे। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ 1723 से 90 ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक, यानी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में बाजार अर्थव्यवस्था को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि, कौन लिखा है, सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में बाजार अर्थव्यवस्था को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि, कौमा, बाजार अर्थव्यवस्था व्यक्तियों में वस्तुओं के आदान प्रदान या सौदों का एक लंबा क्रम है। लंबा क्या है, क्रम है, जो अपनी क्रमबद्धता के कारण स्वतः एक कार्यशील एवं स्थिर व्यवस्था की स्थापना करती है, सिस्टम की, व्यवस्था की क्या करती है, स्थापना करती है ना। स्मिथ ने बाजार अर्थव्यवस्था के संबंध में लिखा है कि बाजार अर्थव्यवस्था में करोड़ों के लेन देन में सम्मिलित व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति इसको स्थापित करने में रुचि नहीं रखता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने लाभ में वृद्धि को सोचता है कि, और ऐसा करते हुए वह जो भी करता है वह स्वतः ही सभी के या समाज के हित में ही होता है। उनका मानना है कि इसके पीछे कोई अदृश्य बल कार्य करता है जो व्यक्तियों की लाभ की प्रवृत्ति को समाज के लाभ में बदल देता है। इसी अदृश्य बल को स्मिथ ने अदृश्य हाथ कहकर परिभाषित किया है। जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने बाजार को परिभाषित करते हुए लिखा है कि बाजार स्थिति से अर्थ विनिमय के किसी भी विषय के लिए उसे द्रव्य में बदलने के लिए उन तमाम अवसरों से
से होता है जिनके बारे में बाजार स्थिति में सहभागी को पता है कि उन्हें प्राप्त है और वे दोनों तथा प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से उनकी मनोवृत्ति के लिए संदर्भ पूर्ण है। सिजविक ने बाजार के संबंध में लिखा है। प्रतापचंद सिजविक कौन है? एक समाजशास्त्री है। सिजविक ने बाजार के संबंध में लिखा है कि बाजार व्यक्तियों के समूह या समुदाय को कहते हैं। सिजविक के अनुसार क्या सिजविक ने बाजार के संबंध में लिखा है कि बाजार व्यक्तियों के समूह या समुदाय को कहते हैं, व्यक्तियों के समूह या समुदाय को, कम्युनिटी को कहते हैं, जिनके बीच पारस्परिक वाणिज्यिक संबंध इस प्रकार के हो कि प्रत्येक व्यक्ति को सुगमता पूर्वक इस बात का ज्ञान हो जाए कि वह दूसरे व्यक्ति समय समय पर कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय किन मूल्यों पर करते हैं, है ना, किन मूल्यों पर करते हैं। आप देखिए, प्रसिद्ध समाजशास्त्री ने, सिजविक ने बड़ा अच्छा बोला है बाजार की परिभाषा। व्यक्ति का समूह या समुदाय को कहते हैं। बाजार में क्या होता है? लेन देन होता है, क्रय विक्रय होता है। हर कोई बाजार से जुड़ा हुआ है, हर मनुष्य का बाजार से मतलब होता है। आप जानते हैं, आप भी, हर कोई बाजार से बोलता है, बाजार से आ रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, खाद्य पदार्थ लेने जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? बाजार जा रहे हैं। बाजार का मतलब ठोस भाषा में क्रय विक्रय करना होता है। क्या होता है? क्रय विक्रय मतलब खरीद बिक्री करना होता है। बाजार, मार्केट के बिना हम, हमारा समुदाय, हमारा ग्रुप, हमारा कम्युनिटी, हमारा देश, समाज, सोसाइटी अधूरा है। हमको बाजार जाना ही पड़ेगा। हर मनुष्य को क्रय विक्रय के लिए बाजार की जाने की आवश्यकता पड़ती है। बाजार के बिना हम परिवार, घर को सुचारू तरह से चला नहीं सकते हैं। हमको बाजार जाना ही पड़ेगा, तब तो हमारा परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। क्या होगी? आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। ठेठ भाषा में आप समझिए, बाजार मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। जूलियस फायर्ड ने, जूलियस फायर्ड कौन है? एक समाजशास्त्री हैं। जूलियस फायर्ड ने बाजार को परिभाषित करते हुए लिखा है कि कोमा, बाजार की स्थिति उस समय पैदा होती है जबकि किसी वस्तु या सेवा के लिए कुछ आर्थिक कर्ता इस बात का अनुमान लगाते हैं कि उस वस्तु के व्यापार द्वारा प्रतिस्पर्धा की स्थिति को देखते हुए लाभ होने की संभावना है। वहाँ यह आवश्यक नहीं है कि बाजार स्थिति में भाग लेने वाले सभी लोग इस प्रकार के लाभ के अवसर देख रहे हैं, तब उनमें से किसी एक पक्ष के लिए लाभ की संभावना का एहसास होना बाकी है, है ना? आप इसको लिखना है इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि, अब देखिए लिखने की शैली देखिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चाहे उपयुक्त विवेचना के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चाहे यह सर्वविदित होता है कि आपको परिभाषा अर्थ के बाद पर्याप्त चेंज करके लिखने की शैली आपको जानना जरूरी है, तब आपको नंबर मिलेगी। आप समझ गए? तब आपको क्या मिलेगी? नंबर मिलेगी। बस आज इतना ही।